रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। उठो बानी। उठ रही हूँ। बानी? बानी? बानी क्या हुआ बेटा? बानी, अरे ठीक है, आई विल गेट अप। व्हाट हैपेंड टू यू? Get up. Are you okay? What? Bani? Dad? सब घर पे? आपको आपकी गर्लफ्रेंड से नहीं मिला था? Bani, तुम्हें? Mom, lucky day for you, huh? Dad, आज घर पे? Good for you. What? What happened? You're drunk? नहीं. शराब कब पीना शुरू किया तुमने? आपको नहीं पता? उसने आपको मैसेज नहीं किया? किसने? क्या? What are you talking about? Check your phone. I'm sure she must have missed. What message, Bani? Check, 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 check. See? I told you. She's damn loyal to you, huh? By the way, I need to tell you this. What a lovely whiskey. I loved it. And what a loveliness, huh? And you got a hot girlfriend. Shut your mouth, Bani. I'm impressed. Why did you go there? और भी बहुत बातें हैं तुम्हारे साथ। इस समय तुम लग नहीं रही बात करने की हालत में। अरे कहीं नहीं जाना डैड, मुझे आपसे बात करनी है डैड। बहुत सारी बातें कर रही है। आई एम गेटिंग मैरिड यार। यू आर नॉट गेटिंग मैरिड। ऑफ कोर्स आई एम गेटिंग मैरिड। यू आर नॉट गेटिंग मैरिड। अरे फिर कौन मुझे बताएगा? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। आई विल नॉट गो टू द रूम। अगर शादी की बात शुरू हुई ना तो मॉम लेट मी टेल यू वन, आपकी शादी खत्म। डैड गर्लफ्रेंड ना, she's not gonna leave him. अरे मॉम, I forgot to tell you. डैड को तो शेर और शायरी, पोएट्री और म्यूजिक का शौक है। आपको पता था? अपनी गर्लफ्रेंड को शेर और शायरी के बुक्स भी गिफ्ट करते हैं, जोक्स भी सुनाते हैं। That sounds like a different man, ma'am. Not your type. Because dad is going to leave you. You know what, dad? You go. क्योंकि अब ये घर ना, ये हमारा, मॉम का, निकी का, and there is no space for men like you. Stop so it! Stop it, Bani. अब और कुछ नहीं बोलोगी तुम, समझी? You cannot speak to your father like this. I will not tolerate this. Mom, आप tolerance की बात कर रही हैं? आप अपने ही हस्बैंड का extramarital affair चुपचाप tolerate कर रहे हैं? लेकिन आप टॉलरेंस की बात कर रही है, कमाल है। मॉम, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? ही लीव मी, ही लीव निकी, ही लीव एवरीबॉडी, लीव हिम मॉम, लीव हिम बिफोर ही डज। डोंट गो प्लीज। आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। प्लीज डोंट गो। डोंट गो एनीवेयर। Nikki. You can't do this, Dad. You can't go. Please, you can't go. शेर और शायरी, पोएट्री और म्यूजिक का शौक है। अपनी गर्लफ्रेंड को शेर और शायरी के बुक्स भी गिफ्ट करते हैं, जोक्स भी सुनाते हैं। निकी सो गए। बानी वो भी सो गए, माँ के रूम में सुला कर आई। हमारी बेटियां ऐसे डर डर के नहीं जी सकती।
बहुत ही सेंसिटिव उम्र से गुजर रही हो, तो मेरी बात मान लो। I'm okay with it. Okay with what? With your affair. मैं संभाल नहीं पाऊंगी, हमारे बच्चे वो हैंडल नहीं कर पाएंगे। भाई इतने सालों से हमने ये घर बना के रखा है, वो टूट जाएगा, बिखर जाएगा। तुम्हें उसके साथ खुशी मिलती है, तुम खुश रहो, लेकिन लेकिन डिवोर्स की बात मत करो। What are you saying, Poonam? मैं किसी और के पास जाऊंगा और तुम्हारे पास लौट कर आऊंगा। हर रोज दैट बी वेरी बिग लाय, बहुत बड़ा झूठ होगा। तो रहने दो ना, इतने दिनों से तुम झूठ ही बोल रहे थे ना। मैंने बोला ना झूठ? पूनम, मैंने इस झूठ को जिया है, तुमने नहीं। इस बारे में तुम्हें कुछ पता नहीं था, लेकिन अब तुम जानती हो। अब जो तुम कह रही हो वो किया, तो तुम्हें भी इस झूठ को जीना पड़ेगा। बरसों का हमारा साथ, ये घर सब कुछ झूठा हो जाएगा। I'm not gonna let that happen. रोहित कहाँ हो यार? I'm really worried now. तीन तीन वॉइस नोट्स भेज चुकी हूँ तुम्हें, तुम रिप्लाई नहीं कर रहे हो, कॉल नहीं कर रहे हो। कॉल मी बैक ना। वैसे भी मेरे इस झूठ की वजह से ना मैं पूरी तरह से तुम्हारा रहा, नहीं अनन्य का हो पाया। मेरे झूठ ने तुम दोनों को अधूरा कर दिया। That's it. बस अब और नहीं। पूनम, तुमने अपना सब कुछ दिया है मुझे, इस घर को, इस फैमिली को। आधा अधूरा रिलेशनशिप तुम डिजर्व नहीं करती। क्यों तुम इतने बड़े झूठ के साथ कॉम्प्रोमाइज करना चाहती हो? मैं हूं अंधेर पूनम, मैं आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू एंड द किड्स, नॉट लाइक दिस। बच्चों से आंखें चुराता हुआ डैड, बीवी को धोखा देता हुआ हस्बैंड, आई कांट live like this anymore with this guilt. No. Listen to me. मेरे बच्चों की माँ हो तुम, deserve that respect. I'm gonna make sure you get it. मुझे पता था तुम घर जाओगे और मुझे भूल जाओगे, बिकॉज दिस इज वॉट यू डू। तुम पागल हो, सुबह मुझे बोलती हो दैट यू लव मी और फिर घर जाके गायब। यू नो यू आर रियली मैड रोहित। मैं तुम्हारे लिए ना अब पागल नहीं होने वाली हूँ। नो नो नो, नॉट एनी मोर। और मैं क्यों हूँ तुम्हारे लिए पागल यार? तुमने तकलीफ के सिवा मुझे दिया क्या है रोहित? व्हाट हैव यू गिवन मी? एक मैगी भी ढंग से नहीं बना पाते हो तुम। शेर तो दूर की बात है, इतना गंदा शेर सुनाते हो ना तुम कि तुम्हारा शेर सुन के तो गालिब भी अपनी कब्र में घुस जाए। एंड इट इज कब्र, नॉट कबर। And it is fakr, not fucker. You fucker. God. Anna. Hi. तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं कब से तुम्हारा नंबर डायल कर रही हूँ? तुम्हारा फोन ही नहीं आया। What do you mean? It's gone off. Battery must be dead. चार्ज पे लगा दो ना प्लीज। क्या कर रहे हो? मैं अपना सामान लगा रहा हूँ। Why? तुम यहाँ रहोगे? I mean, I don't want to make you uncomfortable. मैं कपड़े वहाँ लिविंग रूम वाले कबर्ड में रख देता हूँ। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। Are you moving in? ये कब हुआ? I mean, घर पे are you okay? Yeah, just a long day ना, so. Need to take a shower. हाँ। तो अभी बैग मैं लगा दूँगी। Thanks, thanks. हाँ। I'll go take a shower. You wanna come? No, I'll go take a shower. मेरा फोन चार्ज पे रखा। No, I'll come now. You go. Okay.
घुमा रही हो ना? मैं और रोहित 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 आई आई अंडरस्टैंड कि सवेरे सवेरे उठ के तुम्हें अपने कमरे में किसी और को देखने की आदत नहीं है. मैं टीफ हुई हूं. क्या शुगर शक्कर? आप फर्स्ट मॉर्निंग टुगेदर यार. कहते ना शुभ काम की शुरुआत हमेशा मीठे से करनी चाहिए. सो कैलोरीज या अच्छा तो लेट्स डू समथिंग दैट बर्न्स कैलोरीज. व्हाट से घर पे सब आई थिंक थोड़ा समय लगेगा लेकिन मानी इवेंचुअली विल बी फाइन. पूनम समझदार है, समझती है कि मैं घर छोड़कर आया हूँ उन्हें नहीं. सो मैंने व्हेन नीड मी आई विल बी देयर. आई थिंक इट विल वर्क आउट. आई थिंक यू शुड नॉट गो टू वर्क टुडे. व्हाट? स्टे टुगेदर. लेट्स स्पेंड द डे टुगेदर इन बेड. लेट मी कॉल वी. Listen, I'm not coming to office today. तो meetings देख रहे हैं. क्यों? I mean, are you okay? तू तो कभी छुट्टी नहीं लेती. What has happened? Love happened. Rohit moved in last night, so he's here. I mean, wow, amazing, Anna. Let me put Cherry on con call. Hello? Rohit has moved in with Anna. What? And she's taking a day off. तो फिर और क्या करेगी? वैसे भी लाइफ टाइम ऑफ सेक्स पे जो कैचअप करना है. गो फॉर इट एना. फुल ऑन. बाय पागल. क्या यू सीरियस? यू टेल हर आई सेड दिस इज रिडिकुलस. नहीं प्लीज. क्या हुआ? रोहित तो मन बना चुका है. He wants divorce. ठीक है ना? शादी दो इंसानों के बीच में होती है. एक का मन उठ जाए तो. हाँ तो तुम सिर्फ दो लोग हो. तुम्हारी तो बेटियां भी हैं. हमारा तो कोई रिश्ता ही नहीं है रोहित के साथ. जिस दिन उस आदमी से तुमने शादी की उस दिन से लेकर आज तक हम तो हमारा रिश्ता निभा रहे हैं. आज उसका मन भर गया तो सब खत्म. पर तुम्हारा क्या? तुम्हारा मन क्यों नहीं उठा इस रिश्ते से? हाँ समझो उठ भी गया तो क्या वो ऐसा सोचता? भैया मैं तो कभी नहीं सोच सकती कि मेरा 20 साल का रिश्ता मजबूत होने के बजाय कमजोर हो जाए. 20 साल तुम बच्चों की देखभाल करो और वो अपनी नई जिंदगी तलाशेगा. वाह किस मिट्टी की बनी हो तुम. रोहित की चीटिंग को अगर मैं एक्सेप्ट करती हूँ तो उसके साथ मुझे अपनी जिंदगी बिताना आसान हो लगती है. लेकिन अगर मैं रिवोल्ट करती हूँ तो खुद को उससे अलग कर दूंगी. क्या सही है क्या गलत है कुछ समझ में नहीं आ रहा है. बानी मुझे कह रही है दैट आई एम वेरी रिग्रेसिव. भैया एक अंडरस्टैंडिंग बीवी होना प्रोग्रेसिव है या रिग्रेसिव है? और रिवोल्ट करना प्रोग्रेसिव है या स्टीरियोटाइपिकल? कुछ समझ में नहीं आ रहा है. आई एम कंप्लीटली लॉस्ट. लगता है लड़के वाले आ गए. प्लीज
नमस्ते, प्लीज आइए. हाय सुप्रिया, हाउ आर यू? प्लीज कम, प्लीज कम. Oh, here they come. Please, please come in. Welcome, welcome. Namaste. Namaste. Hello, Rita. It's so pretty, so pretty. Oh my God. अच्छा इन्हें भी मिलना है. अच्छा. Control, बेटा, control. याद आ गया? Come, बेटा, come. आइए आइए बैठिए. विद्या जरा सब देख लो. हाँ जी. मिसेस मेहरा, सॉरी आपको इतना स्ट्रेस दिया. बिल्कुल स्ट्रेस नहीं है. लेकिन क्या है ना, आर्या ने जैसे ही कहा कि बानी शादी को तैयार है, तो हमने कभी फौरन शादी हो जानी चाहिए. देखते देखते बच्चे इतने बड़े हो जाएंगे, पता ही नहीं चला. इन लोगों की सोच बहुत अलग है. इससे पहले कोई और सरप्राइज दे दें, हमने कहा भाई शादी कर दो. अब पढ़ाई के लिए तो वैसे भी ये अब्रॉड जाएगा. थैंक यू. तो शादी करके जाए, नथिंग लाइक इट. हाँ, आपको थोड़ी तकलीफ होगी. बिल्कुल तकलीफ नहीं है. एक्चुअली हमारी सोच भी यही है. थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, बट आई थिंक वी विल मैनेज. दैट्स वंडरफुल, दैट्स वंडरफुल. अरे ऐसे अचानक कैसे? ना कोई खबर, ना कोई बात. तेरे से डिस्कशन नहीं हुआ? यही प्रॉब्लम है ना. अरे होगा कुछ, मुझे क्या पता. या फिर उससे पूछ लेना. अरे मैं क्यों पूछूंगी रोहित भाई साहब से? या फिर ये सब कुछ इन्हीं की वजह से हो रहा है. भाभी जी नमस्कार. और जी क्या हालचाल? नमस्कार. नमस्कार जी, बहुत बहुत बधाइयां जी. भाई जैसे ही मेरे को न्यूज मिली ना, मैं तो घोड़े की तरह दौड़ के आ गया जी यहाँ पर. ये है गुरिंदर, रोहित के बेस्ट फ्रेंड. और ये है जस्सी भाभी, आर्या की फादर है. हेलो, व्हाट अ प्लेजर सर. दे आर जस्ट लाइक फैमिली टू अस. अरे हेलो 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 हेलो. कांग्रेचुलेशन, कांग्रेचुलेशन, न्यू इनिंग. हां हेलो प्रणव. हेलो जी, सत श्री अकाल जी. की हालचाल? बस देरो. और पुत्र की हालचाल? और ठीक ठाक. रोहित भाई सब नजर नहीं आ रहे. रोहित तो आउट ऑफ टाउन है मीटिंग के लिए, है ना भाभी जी? अरे आपने तो कहा था कि रोहित जी मीटिंग में गए, जल्दी आ जाएंगे. वो कहीं आउट ऑफ टाउन वाली मीटिंग कैंसिल ना हो गई हो. रोहित के प्लान ही चुटकियों में चेंज हो जाते जी. या आजकल डैड काफी बिजी रहते हैं, उनके प्लान्स चुटकियों में चेंज हो जाते. बानी डोंट गेट अपसेट, डैड आते ही होंगे. ये लो, रोहित भी आ गए. हेलो रोहित. हाय सुशांत, कैसे हैं आप? गुड टू सी. हेलो गुड. नाइकॉली पापा. दैट्स इट, दैट्स इट. रोहित कितनी देर लगा दी तुमने. सब कुछ अचानक हो गया ना, ऑल ऑफ अ सडन. एक्चुअली हम लोग नेक्स्ट वीक प्लान कर रहे थे, लेकिन जब करना ही है तो वेट क्यों करना. लेकिन इतनी जल्दबाजी करने की क्या. तुम चलो ना, तुम फ्रेश ना हो. फ्रेश पानी बिटिया तो हमें वैसे ही पसंद है. और भाई साहब एक दूसरे को ये दोनों बहुत प्यार करते हैं. और जल्दबाजी क्या होती है, जितनी जल्दी उतना अच्छा. कोई भी रिलेशनशिप समझने के लिए टाइम लगता है. अब हमें देखिए. नहीं आप, 25 साल लग गए हमें एक दूसरे को समझने के लिए. अब जाकर हमारा गोल्डन पीरियड शुरू हुआ है. नहीं नहीं, एग्जैक्टली सूद साहब, मैरिज इज अ बिग कमिटमेंट. तो आपको नहीं लगता थोड़ा जल्दी हो जाएगा सब? लेकिन भाई साहब, हम इनकी लाइफ में इंटरफेयर कहाँ कर रहे हैं. पानी का अगर मन करेगा तो ये अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखेगी, अदरवाइज शी कैन चिल. लेकिन यू नो आई नीड टू नो. वही तो कह रही हूँ, ऊपर जाके तुम फ्रेशन अप हो जाओ. एक्सक्यूज है साहब. चलो रोहित, प्लीज डोंट छोड़. रामू काका. रोहित प्लीज, नॉट नाउ. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग, नॉट नाउ. बानी की शादी की उम्र नहीं हुई है पूनम, बार बार मैं ये कह चुका हूँ. वो शादी नहीं कर रही, बदला ले रही है मुझसे. बानी, फेस इट, यू आर जस्ट डूइंग दिस टू स्पाइट दैट. निकी, तू ज्यादा बड़ी बनने की कोशिश मत. एंड इवन इफ आई एम, यू नो नथिंग. And I love her. You get that? Fuck you do. He's okay for time pass. You definitely don't want to get married to him. तू भी ना यार. कुछ तो गड़बड़ है. हाँ कुछ तो गड़बड़ है. There is no chicken. अरे चिकन नहीं, वहाँ देखो पूनम भाभी जी और रोहित भाई साहब के बीच. अरे छोड़ना है, मुझे नहीं लगता. अच्छा बता क्या खाएगी आज. मेरा फास्ट है मंगलवार. डार्लिंग तेरा तो हर दिन कोई ना कोई वार चलते रहता है दूसरों. CID. मुझे नहीं लगता था रोहित अनन्या के साथ मूव इन करेगा, बट लुक ही प्रूव्ड अस रॉन्ग यार.
वैसे बात तो है कुछ इस बंदे में कि अनन्या उसे इतना प्यार करती है। What the fuck? क्या nonsense है यार? क्या हुआ? मेरा मूड खराब हो गया। हाँ, लेकिन हुआ क्या? देखिए, लव में तो कोई चॉइस नहीं होती, हो गया सो हो गया, लेकिन लस्ट में तो चॉइसेस होनी चाहिए ना। हाँ तो ये देख मुझे क्या चॉइसेस मिल रही आज। ओह माय गॉड, चेरी तू क्या देखती रहती है? इट्स पॉर्न। इवनिंग के लिए एंटरटेनमेंट ढूंढ रही थी, बट लुक व्हाट्स ऑन ऑफर। वैसे चॉइस हटके है। इतनी हटके कि इसे हटा ही देना चाहिए। हाय। हाय, तू यहाँ कैसे? रोहित फिर से छोड़ के चला गया क्या? हाँ, मुझे फिर से छोड़ के चला गया। वैंडी चल, लेट्स गो। ये नमक मिर्च लेकर किधर चली? उसकी सिलेक्टिव जगहों पे डालने के लिए। हाउ डेयर ही। झांसी की रानी, चिल कर बैठ जा, मैंने उसे जाने दिया है। बट क्यों? ही मूव्ड इन विद यू, राइट? मूव्ड इन, ही टुक ओवर। मेरी पूरी कबर्ड उसके कपड़ों से भर गई है यार। तो फिर उसकी बेटी के बॉयफ्रेंड के पेरेंट्स घर आ रहे थे, तो इसलिए उसे जाना था और मैंने उसे जाने दिया। सच इज लाइफ। एंड यू कूल विद दिस? या आई एम कूल, मतलब घर तो जाना ही है ना यार, फैमिली के लिए, वापस भी आएगा। सच सच बताओ, चल कह रहा है? कुछ नहीं डार्लिंग, आज तो हॉबी नहीं चल रही। ये तुम ना ये पीजीज मारना बंद कर दो। सॉरी, तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारा पूरा फोन खोल डालूंगी, सारे अकाउंट्स की तलाशी ले लूंगी, सब चैट सब कुछ, समझ गए? चलो अभी बता दो, डिटेक्टिव के खर्चे बच जाएंगे। यार मैं क्यों, ये खोजी नहीं, तुम उस रोहित पे डालो ना। क्योंकि एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में कोई सीक्रेट्स नहीं होनी चाहिए। और मैं रोहित भाई साहब से क्यों पूछूं? मैं तुमसे पूछ रही हूं और मुझे बताना तुम्हारा फर्ज है। यार छोड़ ना यार, कुछ चल रहा होगा उन दोनों के बीच में, शायद डिवोर्स भी हो सकता है। हमारा डिवोर्स होने वाला, ये बात बताई है तुमने उन्हें? अच्छा, नहीं बताई तो सोचो जब बताओगे तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी बानी के लिए। As if मेरी लाइफ में और कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं है ना। आई एम वेरी हैप्पी इन माय लाइफ, वेरी हैप्पी। आप लोग कुछ खा क्यों नहीं रहे हो? Why are you doing this, Bani? Why can't I do this, Dad? I've crossed 18, I'm an adult. Of That's course exactly I can what do this. I'm saying, not now. Don't throw your life away like this. I'm so sorry, Dad, but I'll have to do this. अगर मैंने अभी ये नहीं किया, but how will I play my second innings when I'm 40? तो मतलब अपना फ्यूचर खराब करोगे सिर्फ मुझे सबक सिखाने के लिए, just to punish me? Is that right? No, Dad. मैं ऐसा क्यों करूंगी? मुझे ऐसा करके क्या मिलेगा? आपका अफेयर खत्म हो जाएगा, नहीं ना? Dad, आपका कोई हक नहीं बनता कि आप मुझे कुछ भी बोले, क्योंकि आपको जो करना था ना वो तो आपने कर दिया, तो हमें जो करना है वो प्लीज हमें करने दीजिए। I will not let you mess up your life, Bani. If I have to fuck with my own life now, then so be it. And this makes two of us fucking up with our own lives, like father, like daughter. और क्या चल रहा है? सब बताओ मुझे। डिवोर्स माते, मैं उनके घर का रामू काका हूँ क्या, जो मुझे सब कुछ पता होगा? हाँ, तुम्हें रोहित भाई साहब के बारे में सब कुछ पता है। अरे तुम उनकी चट्टी बट्टी हो ना। छोड़ो, मत बताओ, मैं खुद ही पता कर लूंगी। यार मेरा थोड़ा ना फेर चल रहा है जो तुम मुझे थर्ड डिग्री दे रही हो। अफेयर? इसका मतलब अफेयर चल रहा है? देखा, पता था मुझे। BTW, by the way, तुम्हारा तो हो ही नहीं सकता, शक्ल देखिए अपनी। रोहित जी आइए ना, एक ड्रिंक लेते हैं। हाँ सूद साहब, मैं जरा फ्रेश होकर आता हूँ, 2 मिनट्स। पूनम, रोमांस, गोल्डन इयर्स, गुड गुड। क्या हो रहा है सब? क्या हो रहा है? बानी का रिश्ता लेकर आर्या के पेरेंट्स आए हैं। वो तो मैं देख रहा हूँ पूनम, लेकिन क्यों हो रहा है ये? और ये गलत है, तुम क्यों इसे एनकरेज कर रही हो? क्या गलत है? फैमिली सेटल्ड है, लड़का अच्छा है, मोरो मैं बार बार तुम्हें समझा चुका हूँ पूनम कि बानी की शादी की उम्र हुई नहीं है, शी स्टिल अ चाइल्ड। ये बानी का डिसीजन है रोहित, एंड आई एम ओके विद दैट। रियली? तो ये जो तुम्हारे मेरे बीच में चल रहा है, ये कैसे समझाओगी आर्या के फैमिली को? या झूठ पे झूठ बोलती रहोगी? तो झूठ बोलने में क्या तकलीफ है? तुम तो कितने दिनों से झूठ बोलते आ रहे हो। एक्चुअली यू आर राइट,
ये मैं नहीं कर पाऊंगी, ये दोहरी जिंदगी मैं नहीं जी पाऊंगी। तुम्हें डिवोर्स चाहिए ना? ठीक है, मैं तुम्हें डिवोर्स देने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक शर्त है। कोर्ट में जब मैं पेपर साइन करूं तो उसे वहां रहना होगा। अनन्या को? क्यों? उसका वहां रहना जरूरी है। बात तुम्हारे मेरे बीच की है पूनम, उसका वहां आना क्यों जरूरी है? बात तुम्हारे मेरे बीच की है, वजह वो है। मैं उसे दिखाना चाहती हूँ कि जब किसी का घर टूटता है तो कैसा लगता है। तुम हमेशा कहते थे कि हमें अच्छे दोस्त बनकर रहना चाहिए, तो दोस्ती कोर्टरूम से शुरू करते हैं। मैं पेपर्स तब साइन करूंगी जब वो वहां होगी। अरे क्यों जाने दे रही हो उसे? तुम्हारी जिंदगी का तो कबाड़ा बना चुका है और तुम हंसते हंसते उसे म्यूचुअल डिवोर्स देने पे भी राजी हो गई। क्या मिलेगा तुम्हें? मॉम, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और आधार कार्ड तैयार है, ये लीजिए। थैंक यू बेटा। तुम वो फॉर्म बानी तुम माँ को समझाओ। तू मेरी बात सुन, देख किसी भी छलावे में मत रहना। वो मैडम कोर्ट में नहीं आने वाली। नहीं नहीं, नो, इंडिपेंडेंट वर्किंग वुमन है। मैं उससे मिला हूँ। शातिर दिमाग है उसका, इतना बड़ा बिजनेस संभालती है, और उसी शातिर दिमाग ने तेरा ये घर तोड़ा है। क्यों आएगी वो, क्यों सहेगी ये एम्बैरेसमेंट? उसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ने वाला। In fact, I think कि वो जरूर है। हंसी आ रही है तुम? आई थिंक पूनम डिमांड इज कम्प्लीटली बिजार। आई डोंट फाइंड एनीथिंग फनी इन इट। मुझे तो कोई एंगल से कुछ फनी नहीं लगा। बटर चिकन मसाला तुम क्यों लाए? तुमको तो बटर चिकन पसंद नहीं, ना ही तुम्हें पकाना आता। तुम्हें पसंद है और मैं तुम्हारे लिए बनाना सीख लूंगी। यू नो दैट्स द पॉइंट ऑफ इट। ये बटर चिकन, ये कॉफी बीन्स, ये सब मैं तुम्हारे लिए बनाना सीख लूंगी। बूढ़े हो जाओगे, चल नहीं पाओगे, आंखों की रोशनी कम हो जाएगी, तो तुम्हारा क्रच भी बन जाऊंगी। आई विल डू एनीथिंग फॉर यू, यू नो, बट दिस ये मैं नहीं करूंगी। मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट दांव पे नहीं लगा सकती। मेरा जमीर ही अलाउ नहीं करेगा। मैं कोर्ट नहीं जाना चाहती, मैं नहीं जाऊंगी। अरे आना, रोहित प्लीज, मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ और फिर से कहती हूँ, तुम अपना डिवोर्स, अपनी लाइफ सब सॉर्ट आउट कर लो। जब तुम पूरी प्रॉब्लम से आजाद हो जाओगे ना, फिर मेरे पास आना, सिर्फ मेरा बनकर। मैंने तुमसे कभी नहीं कहा था कि मेरे लिए तुम अपनी फैमिली को छोड़ दो, डिवोर्स ले लो। ये तुम्हारा डिसीजन था, यू वांटेड टू डू इट। आई नो ये सब इजी नहीं है, सब धीरे धीरे हो जाएगा, बट डोंट ड्रैग मी इनटू दिस प्लीज। वैसे तो तुम इतनी इंटेलिजेंट हो कि हर बात कहे बिना समझ जाती हो। इतनी छोटी सी बात नहीं समझ में आ रही तुम्हें? मैंने कहा तुमसे कि डिवोर्स साइनिंग के समय तुम्हें वहां आना है, नहीं कहा ना? ये पूनम की डिमांड है, मेरी नहीं। वो क्या चाहती है मुझसे? How do I know? I guess वो she wants to meet you face to face, to see you, know you. Why? क्यों? 3 साल से मेरी लाइफ पूनम पर डिपेंडेंट रही, मैं पेशेंटली तुम्हारा वेट करती रही, but now she wants to see me, know me, meet me. क्यों? This is not my fight, Rohit. This is your fight and you fight it. मैं कोर्ट नहीं आ रही हूँ। ठीक है, वो आ गई कोर्ट में तो? अरे तुम्हारी माँ तो उस डिवोर्स पेपर पे साइन करने ही वाली है। मैं तुझसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, उस म्यूचुअल डिवोर्स पे साइन मत कर। उस हीरो को मैं जीरो बनाऊंगा। तू आप लोग क्या हीरो जीरो वाली बातें कर रहे हो? अब जीजा जी ने तो बोल ही दिया है ना कि वो अपना सब कुछ देने के लिए तैयार है, प्रॉपर्टीज भी, पैसा भी। तो आप ही बताओ फिर केस किस बात का बनता है? दीदी अगर उनको कोर्ट बुलाना ही है तो तरीके से बुलाइए ना, अडल्ट्री का केस फाइल कर दीजिए। आप क्या बोल रही हो? ऐसा मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ, कभी भी नहीं। तो क्या उसे आसानी से जाने दोगी? आसानी से नहीं मामा जी, ये मुश्किल से। मॉम की सेल्फ रिस्पेक्ट तो है ना? मॉम पापा को ग्रेसफुली जाने देना चाहती है, जस्ट लेट हर डू दैट।
बेटा ये तुम्हारी शादी का इनविटेशन कार्ड और तुम्हारी शादी के कुछ फोटोग्राफ्स, इन्हें भी संभाल कर रख लो, कोर्ट में इनकी भी जरूरत पड़ेगी। थैंक यू। हेलो आना, मैं जानता हूँ कि पूनम की डिमांड बहुत ही ज्यादा अनरीजनेबल है। एक्चुअली देखा जाए तो इतनी भी अनरीजनेबल नहीं है। वो मिलना चाहेगी मुझे, आफ्टर ऑल बीवी है तुम्हारी, इतने साल गुजारे उसने तुम्हारे साथ। अच्छा ना रोहित, मैं कितनी भी सही क्यों ना, उसकी और दुनिया की नजरों में हमेशा गुनहगार ही रहूंगी, और वो अपने गुनहगार से मिलना चाहती है जो भी सुपीरियर। सच बताऊं तो ये मुझसे नहीं होगा, हम दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। एंड नो, वी शुड नॉट फॉल फ्रॉम ग्रेस, नीदर ऑफ अस। इतनी आसानी से डिवोर्स नहीं दे रही हूं मैं, मैंने कह दिया है अगर वो वहां आएगी तभी मैं पेपर साइन करूंगी, एंड दिस इज माय फाइनल डिसीजन। हाँ शिका, मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगी। अच्छा सुन, तू पार्टी के बाद मुझे घर ड्रॉप कर देगी क्या? नहीं एक्चुअली वो मेरे डैड आउट ऑफ टाउन गए हैं और ड्राइवर भी छुट्टी पे, पक्का ड्रॉप कर देगी ना? चल ठीक है, सी यू शिका, बाय। निकी तूने झूठ क्यों बोला? निकी शिखा तेरी बेस्ट फ्रेंड है और बेस्ट फ्रेंड से झूठ नहीं बोलते, तूने बताया क्यों नहीं कि मॉम डैड का डिवोर्स हो रहा है? क्योंकि अभी तक डिवोर्स हुआ नहीं है, और जब डिवोर्स होगा देखेंगे जिसको जो। निकी, 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 सुन मेरी बात, डिवोर्स तो हो रहा है एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि डैड अब पहले जैसे नहीं रहने वाले, एंड वी नीड टू एक्सेप्ट कि हमारी लाइफ में बहुत सारी चेंजेस आने वाले। डू यू गेट दैट? निक्स यार, निक्स यार, लिसन टू मी यार। अरे शट अप यार वानी, सच अ नेगेटिव बिच, कभी तो कुछ अच्छा बोल दिया कर, हमेशा ज्ञान बांटती रहती, कभी मॉम को ज्ञान बांटती है, कभी मुझे ज्ञान बांटती है, मीन बहुत। लिसन, हमें ज्ञान बांटने के बाद अगर थोड़ा टाइम मिले ना तो ये बेचारे मिस्टर पिंक को भी ज्ञान दे दे। व्हाई आर यू गेटिंग मैरिड टू दिस मैन? लुक एट हिम यार। निक्स तुझे पता है ये अभी भी यहाँ पे क्यों है? मैंने उसे दो घंटे पहले कहा था दैट आई विल मीट यू फॉर जस्ट 10 मिनट्स, एंड लुक एट हिम, वो यही है, वापस नहीं गया। रिटायर्ड है, बेवकूफ भी है, इसलिए तो शादी कर रही, क्योंकि अकल वाले लोग तो डिवोर्स दे रहे हैं। क्या कर रही हो? काम कर रही हूँ। मतलब ये क्या कर रही हो? आ रही हूँ। आज भूख लग रही थी यार। अना टुडे इज करवा चौथ। सो सो मीनिंग व्हाट? करवा चौथ है ना? करवा चौथ पे औरतें फास्ट रखती हैं, व्रत रखती हैं अपने हस्बैंड्स के लिए, उनकी लॉन्ग लाइफ के लिए। तुम खा रही हो, यू नो? एनीवे, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि यू कीप अ फास्ट। It's okay, my bad. अरे मैंने ऐसा सोचा था कि तुम मेरे लिए फास्ट करोगी। It's okay, हमारी तो शादी हुई नहीं है अभी तक। तुम खाओ। रोहित यार, तुम खाओ ना तुम। Look, I didn't know कि तुम ये सब में बिलीव करते हो यार। बताओ ना चाहिए ना। बता देते तो रख लेती, you know, अब तो लेट हो गया, so I, it's late. क्या हुआ? कुछ नहीं। अरे eat, I'm joking. और क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा देखो भूतों की तरह सफेद हो गया। मैं तुमसे फास्ट करवाऊंगा। क्यों? क्यों मतलब क्या? जो हर 3 घंटे कुछ ना कुछ चबाती रहती है और दिन भर लोगों का दिमाग चबाती रहती है, तुमसे फास्ट करवाऊंगा, देखवाऊंगा। Never ever in life. कभी तुमसे कोई ऐसा काम नहीं करवाऊंगा जो तुमको करना ना हो। बताए
अब ये लो। ये क्या है? प्रॉन रोल। What? Yeah. But you don't like prawns? Yeah. Prawns के साथ मेरी कोई जाती दुश्मनी नहीं है। You know, just before we kiss that smell bothers me. क्यों लाए? अरे तुमको कल रात को क्रेविंग हो रही थी ना प्रॉन रोल तो लिया है अभी। अब खा लो। Before we kiss then. I'll rush. She's not coming. वो नहीं आएगी तो मैं पेपर साइन नहीं करूंगी। मैं डेट आगे शिफ्ट करवा देती हूँ। पूनम। दादी इस तरफ। ये सब लोग कौन है? इनकी यहाँ पर क्या जरूरत है? ये मेरी फैमिली है सर। इस वक्त मुझे इन सब की जरूरत है। आप दोनों डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज प्रोसेस के लिए यहाँ पर आए हैं। डिवोर्स की वजह इरिकॉन्सिलेबल डिफरेंसेस हैं। म्यूचुअल कंसेंट के डिवोर्स पेपर पर आप यहाँ पर साइन कर दीजिए। Thank you.
रोहित, मैं नो इट्स मी वी यू ओके हाँ नो आई एम नॉट ओके वो पूनम की सारी फैमिली अंदर इट्स आई एम द कोर्ट पे टर्न अराउंड एना बस क्या अपनी लड़की को हम ऐसे ही छोड़ देते उसकी फैमिली अंदर है तो तेरी यहाँ सॉरी अबाउट दिस पूनम जैसा कि मैंने पहले कहा था किसी भी चीज की जरूरत पड़े तुम्हें I'm there. हमेशा हमेशा जो लोग डिवोर्स देते हैं ना हमें ये नहीं बोलना चाहिए बिकॉज दैट वर्ड हैज नो मीनिंग फॉर यू और रही बात मॉम की उन्हें हम संभाले चलिए दादी चलिए निकी चलो निकी हमें चलना है And Dad, you don't have to worry about us anymore. और वैसे भी आपकी गर्लफ्रेंड आपका वेट कर रही होगी तो जाइए चलें की यही तो तू चाहती थी मैं कि रोहित तेरा हो जाए चाहती थी कि रोहित मेरा हो जाए लेकिन इस तरह नहीं है जिस तरह से सबकी आंखें नम थी जिस तरह भानी ने मुझे देखा पूनम की आंखें सबके आंसू आई फेल्ट कि इन सबके दुख की वजह मैं हूँ आई जस्ट फेल्ट सो सेल्फिश स्टॉप प्लेइंग योरसेल्फ यू नो सीरियसली अगर मैं पूनम की जगह होती ना तो मैं उस औरत से कुछ तो कहती पूछती कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था But she didn't say a word. लेकिन उसकी खामोशी में इतनी आवाज थी कि I felt like shit, yeah. She was so graceful, so dignified. रोहित और पूनम की शादी टूटने की जिम्मेदार मैं हूँ शादी दो लोगों का सबसे इंटीमेट रिश्ता हो किसी तीसरे की वजह से शादी कभी नहीं टूटती इसीलिए उसके टूटने और बने रहने के जिम्मेदार वही दो लोग होते हैं वो कहते हैं ना कि द विक्टिम ऑफ द अफेयर इज नॉट ऑलवेज द विक्टिम ऑफ द मैरिज और शायद रोहित भी इस शादी में एक विक्टिम ही है यार इस शादी में बहुत पहले से दरार आ गई थी तभी तो तेरे आने की जगह बनी तूने कुछ नहीं किया है Thank you.
कॉफी। थैंक यू। क्या हुआ? यू डोंट लुक ओके। फोन ट्राई कर रहा हूँ उनका। बानी पूनम दोनों उठा ही नहीं रहे। हाउ डू आई गेट टच विद देम नाउ? अरे कोई काम आ गया होगा, कहीं बाहर गए होंगे, बिजी होंगे। अरे कितने बिजी हो सकता है कोई कि दो दिन से ट्राई कर रहा हूँ, दो मिनट नहीं मिला उनको कॉल बैक करने के लिए या मैसेज के जवाब देने के लिए। गिव मी योर फोन, आई विल डायल। मैजिक फिंगर्स। निकी, निकी हाय। हाँ डैड। टू डेज आई बीन ट्राइंग योर नंबर, वेयर वर यू? रोहित। हाँ। मैंने बटर चिकन बनाया। अच्छा। ट्राई करो ना, नमक कैसा है? स्पून। ओह, स्पून। आउ। स्टॉप डैड। उंगली काटी मेरी। कैसा है? How is it? One more? Ye lo. You nonsense! मेरे मुंह पे लगा दिया तुमने। हाँ पूनम। रोहित तुमने स्कूल की फीस भर दी? मैंने दो दिन पहले बिल भर दिया पूनम। Are you sure? Of course I'm sure. I've paid it. No, no. बानी से बात करो, उसने अभी तक मुझे फोन नहीं किया। रोहित please have some patience. Yeah, yeah, I'll handle it. तुम हमें डिच कर रही हो, वो भी गेम डे पर। ऐसा क्या कर रही हो? और शुड आई से? ऐसा क्या करवा रहा है वो? यहाँ हमारी जिंदगी ड्राई हो गई है। As you can see, give us a note pen. Listen, I just want to say one thing. Cards are so boring compared to. Kamini, don't rub it in Sally. वहाँ अपने ही गेम्स खेल रही है। टॉयज भेजूं क्या? ओए, I don't need toys, okay? You go get a life, both of you. जा, छीले अपनी ज़िंदगी। Bye. Anna, Bani is getting married in 2 weeks. Do you believe that? Oh, that's nice. Nice? What nonsense, Anna? She's a child. बच्ची है वो अभी, शादी कैसे कर सकती है? रोहित, मैं बानी से मिल चुकी हूँ, okay? वो काफी समझदार है। Your baby is a big girl now, Daddy. Oh. It's unbelievable, yeah. Children grow up so fast. Namaste, sir. कैसे? क्या है सब? कहाँ है सब लोग? साहब, वो सभी तो रहने के लिए फार्म हाउस चले गए। क्यों? गुड मॉर्निंग। हेलो। हाँ बोलो रोहित। ये क्या है सब? बिना मुझसे पूछे तुम लोग फार्म हाउस क्यों चले गए? शादी की तैयारियां रोहित। बताना तो चाहिए था मुझे, मतलब मैं कहा काम में बिजी था ना मैं। तुम काम में ही तो बिजी रहते हो, घर पर कब रहते हो? कैसे पूछती तुम्हें? पूनम पूनम प्लीज लेट्स नॉट आर्ग्यू अबाउट दिस प्लीज। टूटता सा जा रहा
तन्हा तन्हा सा क्यों हूँ बता ओ मेरे साजना रोहित हैव यू टोटली लॉस्ट इट मैं तुम्हारे साथ घर पे कैसे मूव इन कर सकती हूँ यार कम से कम तुम तो मुझे समझने की कोशिश करो यार आई एम सेइंग दिस बिकॉज़ ऑफ निकी एंड वानी वो यहाँ तो आएंगे नहीं मुझसे मिलने मुझे वहीं रहना पड़ेगा ना दैट वी विल गेट टू सी देम आई अंडरस्टैंड लेकिन तुम मेरी बात भी तो समझो ना रोहित मैं कैसे तुम्हारे साथ मूव इन कर सकती हूँ तुम अभी भी शादीशुदा हो रोहित माना दैट्स अ मियर टेक्निकलिटी तुम सिर्फ एक कागज आने की देर है ना और कुछ तो नहीं माय हाउस इज योर हाउस नो इट इजंट वो तुम्हारा और पूनम का घर है रोहित अरे शी डजंट लिव देयर एनीमोर यू टेल मी एक आदमी कहां कहां जाएगा ऑफिस भी जाऊं यहां भी आऊं घर भी जाऊं फार्म हाउस भी जाऊं हाउ कैन आई बी इन ऑल दीस प्लेसेस आई एम सॉरी मुझे नहीं होगा ये यार कांट डू दिस मैंने पूरा घर ठीक ठाक कर दिया बच्चों का कमरा भी सजा दिया कब आ रहे हैं बच्चे उन्होंने आने से मना कर दिया आने से मना कर दिया मतलब टेल देम कि मैं यहां रहने आ गया हूं बात तो करो उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करो एक्चुअली रोहित वो दोनों वहां आना ही नहीं चाहते घर नहीं आना चाहते तो मैं बाहर कहीं मिल लेता ना कॉफी शॉप में वेयरएवर दे वांट टू बट एटलीस्ट ऐसी भी क्या जल्दी है रोहित थोड़ा सा तो टाइम दो सब चीजें नॉर्मल हो जाने दो रोहित मैं जानती हूँ तुम वानी से इसलिए मिलना चाहते हो ना क्योंकि तुम उसे शादी करने से रोकना चाहते हो राइट ऑब्वियसली रोकना चाहता हूँ वानी बच्ची है उसकी शादी की उम्र नहीं हुई अभी पता नहीं तुम कैसे राजी होगी शादी के लिए रोहित आर्या इज अ ग्रेट गाय एंड ही लव्स वानी इस एज में लव नहीं होता इन्फैचुएशन होता है सर और देखा है तुमने सुल्लू के पट्टे को उसकी जीन्स उसके अंडरवेयर से 2-3 इंच नीचे रहती है जो बंदा अपनी जीन्स नहीं संभाल सकता मेरी बेटी को हक संभालेगा रोहित हर बाप अपनी बेटी को लेकर पोजेसिव होता है और तुमने तो दोनों को सर पे चढ़ा के रखा है ट्रस्ट मी ये शादी का फैसला ना यही सही है लुक एट हर कांस्टेंटली ब्लशिंग लाइक अ गिडी हेडेड टीनेजर हां परमानेंटली जैसे ब्लश चिपका के आई हो वैसे है ना आज तेरे बॉयफ्रेंड ने तुझे अकेले कैसे जाने दिया मैडम क्या है ना ही इज गोइंग आउट विद बानी एंड निकी फला इसलिए आई एम फ्री मुझे तेरा फोन दे मैं रोहित को बताती हूँ कि हम उसकी टू बी वाइफ को डेट पर ब्लाइंड फोल्ड करके ले जा रहे हैं सो दैट वो पराए मर्द का तुझ देख के उफ न करे और हम हमारी आंखें भी देख ले राइट वे माय गॉड तुम दोनों कैसी आग लगाओ ना सच्ची हॉरिबल फ्रेंड है हाय दिस इज रोहित एंड आई एम बिजी नाउ लीव मी अ मैसेज हाय बेबी आई एम गोइंग आउट फॉर लंच विद माय मैक गर्ल्स वी आर गोइंग टू एलओएल आई मिस यू कॉल मी सून बाय लव यू हो गया तेज चला Very nice. Well, Deep, of course. I'll see you guys now. Okay. How are you doing? Hi, Cherry. Cherry Aurora. Hi, Cherry. Harish. Harish Somani. Hey, Vandana, what's up? Hello. And Anna, how are you doing? Hi. All well? हमारे पिछले प्रोजेक्ट्स हमारे जितनी कोलीग्स हैं ना, they're all very happy. और उन सब का एक ही कहना है
की एना जैसी कोई नहीं. Really? Really? Thank you. ताना, तुम जानती हो कि मेरे दुबई में कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं और अब हम एक दूसरे की पसंद भी जानते हैं. अगर तुम मेरे साथ दुबई चलो ना तो together we can do wonders. Sure, but I'm really busy. Very tied up. तुम्हारे पास दुबई आने का वक्त नहीं है. ड्रिंक पीने का तो होगा. Of course, yeah. Thank you. Whew, thank you so much. So, what do you guys want to have? No, no, I'm not drinking. No, no, I'm not drinking. Not possible. No, no. ऐसा लग रहा है गाड़ी में मातम छाया हुआ है. What happened? Somebody passed away? ओहो, चलो बोलो क्या खाने का मूड है. ताए हाँ और मे बी सुशी. Rather be home. पानी पता नहीं कितने सालों बाद तुम्हें बाहर लेकर जा रहा हूँ. चलो tell me, what do you feel like eating? Okay, I'll just check some places online. हाँ, do that. But I don't mind sushi actually. Huh? Let's go for sushi then. LOL, let's go to LOL, na? For sushi. Bani, stop teasing her. Exactly, I just changed my mind, na? So, let's go to LOL. I just love the burgers there. Please, let's go there. Yeah, okay. Okay, let's go to LOL. Okay. But ek baat batao. I remember you telling Bani ki koi tumhe naya phone dekar bhi bribe karega to tum kabhi LOL nahi jaogi. Suddenly, what happened? Why do you want to go there? Typical of my generation, Dad. Like today I love LOL, tomorrow I might just hate it, na? So. I tell you, fickle-minded generation. हमारे generation में एक बार मन बना लिया, तो बस बना लिया. That used to be it. So, LOL, na? Yeah, Baba, LOL. Yes. तुम दोनों ऊपर जाओ, मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ. Mix. What's the plan? Huh? Do you even have one? Look at this. हाँ तो क्या है इसमें? यार मुझे डाको से विता दिखाना है. उनकी जो गर्लफ्रेंड है ना वो लंच डेट पे आई है बस. निकी, निकी, have you lost it? Anana is not an idiot, I know that. और क्या गारंटी की जो लड़का ये फोटो में है ये उसका बॉयफ्रेंड है? It's a fucking group photo, idiot. एक मिनट, ग्रुप फोटो होगा. But look at their body language, dude. See, he's definitely hitting on her. No, no, Bunny, look. मुझे डाको सिर्फ इतना दिखाना है कि वो किस बिच के लिए हमारी मॉम को छोड़ रहे हैं बस. निकी, निकी, इट्स अ बैड आइडिया यार. हाय हाय, कुड यू हेल्प मी विद माय सर्वे प्लीज? ओके, सो मेल, ट्रेंडी, नाइस शूज, हाँ, मैरिड. आई एम श्योर यू आर मैरिड. या एक्सक्यूज मी, डू आई नो यू? यू डोंट नीड टू नो मी, बट यू शुड नो द स्लट यू आर लंचिंग विद, ना, नॉट यू आंटी, आई मीन हर. Because bitches like her, na, don't go. Please. एक दिन हमारे डैड हमें लंच पे क्या लेकर आ गए, अब इनके साथ डेट पे आ गए. किसी और के हस्बैंड या बॉयफ्रेंड को चुराने में आपको क्या सुपीरियर फील होता है? Do you even have self-respect? You can relax and you can leave now. Okay, thank you. No, no, no. I will not. Let me complete. Because this bitch just broke my family up. क्योंकि मेरे डैड इनके लेटेस्ट टारगेट है ना. वेट, यू आर हर लेटेस्ट टारगेट. गॉड ब्लेस योर फैमिली, यू आर रियली फक्ड, लाइक रियली. डैड, सरप्राइज. नो, योर अनन्या. यार तुम हो किसकी? डैड, आपको तो पता ही नहीं था आज आपकी गर्लफ्रेंड इनके साथ है. You didn't know that, that she would be here. Sad. Anyway, जब आप दोनों एक दूसरे के सामने आ ही गए, then why don't you introduce them to each other? क्या है रबानी, न्यू एज गर्लफ्रेंड्स का ना थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, नहीं ट्रैक करना पड़ता है. अब वो हमारी मॉम की तरह तो होती नहीं है. Nikki. Dad, her life really revolves around you. That's enough. मैंने क्या कर रखा? सीरियसली डैड, आप अपनी मिस्ट्रेस को फेवर कर रहे हो, योर ओन डॉटर. स्टॉप इट. बिलीव दिस, अभी तक तो आपका डिवोर्स भी नहीं हुआ. नहीं, दैट्स इनफ. दिस इज अनरियल.
You know what, Nikki? Let's just go home. Just book a cab and go home. Chal. Please enjoy your lunch. अरे हो क्या रहा है सब जस्ट एक्सक्यूज मी अरे नहीं ओके यू श्योर यू ओके पूनम निकी और बानी यहां से कैब लेकर निकल गए कॉल देम अप एंड टेक द कैब नंबर क्यों मतलब क्या दिल्ली है सेफ नहीं है इसलिए Aren't you going to say something? Subha. Pehle Nikki Bani, ab tum. Maun rat hai tumhara? Yeah, you really are having a lovely day. Puri public ke samne mujhe man stealer home breaker bulaya gaya. Meri izzat ki dhajjiyan uda di gayi. Meri friends aur sab strangers ke samne. And you didn't say a word. What did you want me to say? There. You were out with a man on a lunch date. Batana toh chahiye tha mujhe agar... Lunch date? Kya baat kar rahe ho yaar tum Rohit? Wo client tha mera. Whatever, Anna. I'm just saying ki inform karna chahiye. No, I don't think so. Let me just make this thing very clear to you, okay? I don't think mujhe apne whereabouts constantly tumhe report in karne chahiye. You're not my dad, okay? So just relax. Lekin maine phir bhi bataya tha. Voicemail check kiya tumne apna? Nahi kiya na? Bhi aur cheri mazak uda rahi thi mera ki main Bharatiya nari ban chuki hu is relationship mein. I don't know why I told you. Mujhe kya zarurat thi apni loyalty aur commitment is tarah report in karne ki? It was just a simple lunch with my friends jahan pe mujhe mera client mil gaya. Kunal, I can't talk to you anymore. पता नहीं तुम बात को कहाँ से कहाँ ले जाती हो। जहाँ तुम लेकर जा रहे हो रोहित, to a place जहाँ पे कोई trust ही नहीं है। अगर मैं किसी के साथ बाहर हूँ और तुम्हें उसके बारे में मैंने नहीं बताया, तो तुम मुझे question करोगे? क्या मैंने कभी तुमसे पूछा कि मुझे छोड़के पूनम के पास वापस जाते हो तो? आना। This is unreal, Rohit. You know. We are going to start a life together. Trust नहीं होगा ना तो एक दूसरे के साथ जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा. I don't care. You will have to trust me. I do, यार. Just I should have checked my voicemail. I'll deal with it. No, we'll deal with it. मुझे बिना बोले तुम दोनों वहां से चले गए सॉरी के अलावा और कोई शब्द बोला अनन्या को तो वी मिस बीट एंड वी आर सॉरी जाओ ऊपर जाओ घर जाके बात करेंगे घर घर है कहाँ डैड वो तो कब का खत्म हो गया एनीवेज मॉम सेंट अस यहाँ टू से सॉरी और हमने सॉरी बोल एंड गुड बाय चलिए One second. हाँ रोहित पूनम निकी और बानी आए थे यहाँ तुमने भेजा था उन्हें सॉरी बोलने हाँ रोहित मैंने उन्हें बोला गलती उनकी थी अनन्या के साथ वो ऐसे बात नहीं कर सकती After all, वो हमारी बेटियां हैं और हमारे घर की तमीज ये नहीं है रोहित तुम भी समझो उन्हें वो बहुत ही मुश्किल फेज से गुजर रही हैं तुम भी नहीं हो और आजकल मैं भी शादी के कामों में बहुत बिजी हूँ हम दोनों में से एक तो चाहिए ना उन्हें इट्स नॉट इजी फॉर देम ईदर मैं समझता हूँ पूनम मैंने तुमसे पहले भी कहा था आई एम देयर फॉर माय फैमिली ऑल द टाइम जब भी तुम्हें जरूरत हो तो फोन कर दिया करो लेकिन कह देने से होता नहीं है ना रोहित बट आई विल ट्राई मैं उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूंगी आई थिंक वो थोड़े लोनली है इसलिए कभी कभी शॉर्ट फ्यूज हो जाता है निकी एंड बानी नीड मी आल्सो जस्ट लाइक आई एम सेइंग जस्ट कॉल मी एंड आई विल बी देयर जो भी करना है मैं करूंगा थैंक्स रोहित पर ये सब प्रैक्टिकल नहीं है ना
यहाँ पर इतने सारे काम हैं, अभी हर सेकंड तुम्हें फोन करके डिस्टर्ब नहीं कर सकती ना। और ऑड आवर्स में फोन करूंगी तो बहुत वियर्ड लगेगा। But don't worry, यहाँ पर सब कुछ मैनेज हो रहा है। अच्छा, that reminds me, मुझे फोन रखना होगा। बानी के डिजाइनर्स वेट कर रहे हैं, उसका लहंगा डिसाइड करना है। बाय। ओके पूनम, थैंक्स। आई होप मेरी बेटियां पूनम से जरा ग्रेस सीखें। आज पूनम ने वाकई बहुत हिम्मत दिखाई है। आई थिंक अब मेरी बारी है रोहित। आई शुड शो सम ग्रेस टू। तुम्हारी बेटी की शादी है एंड दे विल नीड यू देयर राइट नाउ। लेट्स राइज टू द ओकेजन। जब तक तुम्हारी बेटी की शादी नहीं हो जाती, तुम फार्म हाउस शिफ्ट कर जाओ। आई श्योर। थैंक्स।